जय महाकाल मित्रों, हमारी YouTube चैनल बिलियन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो मित्रों, हम वर्डपैड सीख रहे थे, तो पहले हम वर्डपैड स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से वर्डपैड, इसको हम फुल स्क्रीन में कर देते हैं। मित्रों, हमने वर्डपैड का फाइल मेनू आगे हम वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। आज हम सीखने वाले हैं होम मेनू, तो उसके लिए पहले हम यहाँ थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं। ठीक है मित्रों, तो अब हमें इसे कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कॉपी पे क्लिक करेंगे, फिर जहाँ पे हमें रखना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कॉपी करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी, और पेस्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। फिर मित्रों, हमें ये यहाँ से निकाल देना है और यहाँ पे रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ कट पे क्लिक करेंगे, कट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, फिर हमें यहाँ पे रखना है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये कट पेस्ट हो जाएगा। अब मित्रों, फॉन्ट, तो उसके लिए पहले हम यहाँ से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब जितने फॉन्ट में हमें चेंजेस करने हैं हम उतने फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉन्ट की स्टाइल, हमें कौन सा फॉन्ट रखना है हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, उसके बाद फॉन्ट की साइज़ कितनी रखनी है हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज़ कितनी रखनी है, फिर हम यहाँ से डायरेक्टली फॉन्ट की साइज बड़ी या छोटी कर सकते हैं। फिर मित्रों, बोल्ड, हमें किसी भी लेटर को बोल्ड करना है तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हमारा वो फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। फिर हमें ये फॉन्ट बोल्ड करना है तो हम फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। फिर हमें बोल्ड से निकलना है तो फिर से वहाँ पे क्लिक कर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ बी पे क्लिक कर देंगे, इसे निकलना है तो फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ बी पे क्लिक कर देंगे। मित्रों, बोल्ड करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, फिर इटैलिक, हमें यह फॉन्ट को थोड़ा सा करना है, इटैलिक में करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारा फॉन्ट इटैलिक हो जाएगा। फिर हमें निकलना है तो हम फिर से वहाँ सिलेक्ट करेंगे और फिर से इटैलिक पे क्लिक करेंगे, तो फिर से हमारा सिंपल फॉन्ट हो जाएगा। इटैलिक करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, फिर हमें यह फॉन्ट में अंडरलाइन करनी है तो हम फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे यू पे, हमारे फॉन्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, और फिर से उसे निकालने के लिए फिर से हम उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ यू पे फिर से क्लिक कर देंगे, हम अंडरलाइन निकल जाएगी। अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल यू, फिर हमें फॉन्ट को फॉन्ट के ऊपर लाइन चाहिए तो हम सिलेक्ट करके यहाँ से ले सकते हैं, फिर निकलने के लिए वही सिलेक्ट करेंगे और दोबारा वहीं पे क्लिक करेंगे। मित्रों, यह सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है हम जो भी लिखेंगे वो फॉन्ट के नीचे के भाग में लिखेगा, फिर वहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर से सिंपल लिखा हो जाएगा। अब हमें फॉन्ट के ऊपर के भाग में लिखना है तो हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर के भाग में लिखेगा, फिर हमें सिंपल लिखा करना है तो फिर से हम वहाँ से क्लिक करेंगे और हमारा लिखा सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ से मित्रों, हम फॉन्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, ये फॉन्ट हम सिलेक्ट करेंगे जितने में बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, यहाँ पे हम बैकग्राउंड का कलर सेट कर देंगे, हमारा फॉन्ट का बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा ऐसे। फिर हमें निकलना है तो फिर से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके हम
नो कलर पे क्लिक कर देंगे, हमारा बैकग्राउंड का कलर वाइट हो जाएगा। उसके बाद हमें फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो हम जितने फ़ॉन्ट में कलर चेंज करना है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम फ़ॉन्ट का कलर सेट कर सकते हैं, करना है यहाँ से हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब एडिटिंग। एडिटिंग में फाइंड, हमें इनमें से कोई वर्ड फाइंड करना है तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, हम जय को फाइंड करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे फाइंड जय लिखा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। मित्रों रिप्लेस, हमें कोई वर्ड को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जिस वर्ड को हमें चेंज करना है वो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हमने जय लिख दिया, और रिप्लेस करके हमें जो नया वर्ड लिखना है वो यहाँ पे लिखेंगे। हेलो, उसके बाद हम फाइंड करेंगे, ये वर्ड हमें चेंज करना है तो हम रिप्लेस करेंगे, ये चेंज नहीं करना है तो हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, इसको भी हमें चेंज नहीं करना है तो हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, इसको हमें चेंज करना है तो फिर हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और दोस्तों हमें जहाँ पे भी जय लिखा है वो सारा का सारा रिप्लेस कर देना है तो हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। तो मित्रों जहाँ पे भी हमने जय लिखा होगा वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। और सिलेक्ट ऑल, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, हमने जो भी लिखा है पेज में वो सारा का सारा कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा। और मित्रों फाइंड करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ और रिप्लेस करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। तो ठीक है मित्रों, अब हम पैराग्राफ और इंसर्ट मेनू अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, आपके मित्रों में ये वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल बिलियन कंप्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।